सो हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक और न्यू वीडियो पर। और गाइस, इस टाइम पे जो है वो एआई का काफ़ी सारे ट्रेंड चल रहा है, काफ़ी सारा जमाना चल रहा है। तो भाई, हमारा टॉपिक है कार्टून का। तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे भाई, आप एआई से कार्टून कैसे बना सकते हैं और काफ़ी बड़ी आसानी से बना सकते हैं। गाइस, जैसा कि आपको पता होगा कि भाई एआई से कोई भी वीडियो बनाना मुश्किल नहीं है। तो एआई में बस आपको करना क्या है, अपनी स्क्रिप्ट देना है, वहाँ से कार्टून बन के निकल आता है। तो आपको किस तरह से बनाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, ए टू जेड में आपको मोबाइल की होम स्क्रीन पर आपको ले जाकर बताऊंगा कि भाई आप एआई से कार्टून कैसे बना सकते हो। गाइस, तो मैं आपका यहाँ पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, आपको लेके चलता हूँ अपने मोबाइल की होम स्क्रीन पर और आपको बताता हूँ कि आपको कैसे क्या करना है, क्या नहीं करना, कौन सी वेबसाइट है, कौन सा एआई है, क्या है क्या नहीं, ए टू जेड आपको बता दूंगा। तो चलिए चलते हैं मोबाइल की होम स्क्रीन पर। गाइस, आप देख सकते हो मैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर आ चुका हूँ। सेम काम आप अपने मोबाइल से भी कर सकते हो। सबसे पहले आपको अपने क्रोम ब्राउजर में चैट जीपीटी पर आ जाना है। चैट जीपीटी एक ऐसी साइट है जिससे आप कुछ भी भाई कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं, आपको पता होगा। तो चैट जीपीटी पर आकर आपको सबसे पहले आपका टॉपिक सर्च कर लेना है। जैसे मैं इसको बोलूँगा कि भाई मुझे हॉरर स्टोरी बनाकर दो 100 वर्ड में, तो चलिए मैं लिख देता हूँ हॉरर स्टोरी 100 वर्ड्स। तो इसके बाद ये पूरी की पूरी मेरे को 100 वर्ड्स की जो है वो बना के दे देगी हॉरर स्टोरी। मुझे ना तो बनाने की ज़रूरत है और ना ही कुछ। चलिए मैं इसको सेंड करूँगा। सेंड करते ही आपको ये पूरी की पूरी तुरंत भी बना के दे देगी। अब ये स्टोरी है, इसको मैं सिंपली से क्या करूँगा, यहाँ पर मैं कॉपी कर लूँगा। अब आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप देखना है। उसके बाद मैं आ जाऊँगा ये वाली वेबसाइट पर, STEVE। आप देख सकते हैं ये डिस्प्ले पर नाम STEVE AI। तो इस पर आने के बाद गाइस आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। सबको आपको लॉगिन करते जाना है। टेक्स्ट टू एनिमेट पर मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा। सबको आपको मैं बता दूँ, मैंने पहले से इसको साइन अप लॉगिन वगैरह सब कुछ करके रखा है, तो आप सब कुछ कर लीजिए। इसके बाद आप कैटेगरी में आप अपने हिसाब से कुछ भी सिलेक्ट कर लीजिए, आप रहने दीजिए, जैसे आपकी इच्छा हो आप बुक कर सकते हैं। तो चलिए इसको मैं यहाँ से कट कर देता हूँ। अब कट करने के बाद यहाँ से जो स्क्रिप्ट इसमें लिखी हुई है, मैं इसको या माइनस वाले पे डिलीट पे पूरी की पूरी स्क्रिप्ट को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। तो चलिए एक एक करके टोटली जो है वो डिलीट हो गई है। अब यहाँ से जो स्क्रिप्ट हमने कॉपी की थी चैट जीपीटी से, मैं उसको यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। अब मैंने ये पेस्ट कर दी है। इसके बाद ये म्यूजिक का मेरे को हटाना है, एड वॉइस ओवर का इसमें डाल के, और जनरेट वीडियो पर मैं इसको क्लिक कर दूंगा। आप चाहें तो कुछ यहाँ से चेंज वगैरह भी कर सकते हैं भाई, लैंग्वेज वगैरह या सब कुछ आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ से एनिमेशन वीडियो आप देख लीजिए मेरा। इसके बाद मैं इसको नेक्स्ट कर दूंगा। अब गाइस, जैसे ही मैं नेक्स्ट करूंगा तो मेरे सामने काफ़ी सारे कैरेक्टर आ जाएंगे। तो जो भी आपको कैरेक्टर पसंद आता है आप वो कर लीजिए, जो मुझे आता है वो मैं कर लूंगा। तो चलिए मैं कोई भी नॉर्मली सा कर लेता हूं। आप और कैरेक्टर यहां पर एडिट भी कर सकते हैं, आगे आगे आप देखिए। तो मैं ये कैरेक्टर को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद ये सीन लोडिंग रहेगा, जस्ट 5 से 10 सेकेंड का यहाँ पर लोडिंग रहता है। इसके जस्ट बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब गाइस, इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको सिंपली से यहाँ पर आपका कैरेक्टर आप प्ले करके देख सकते हो। प्ले पॉज का बटन आपको बीच में दिया हुआ है कि किस तरह से बना हुआ है। साइड में आप देख सकते हो भाई, चेंज कलर, ट्रांसमिशन, मतलब सब कुछ ए टू जेड आप यहाँ से इसको चेंज भी कर सकते हो। ये देखिए, जो हमारा स्टोरी था वो नीचे लिखा हुआ आ रहा है और सेम उसी के जैसा ये कार्टून वीडियो हमारा बन के तैयार है। आप चाहे तो अलग अलग यहाँ पर कैरेक्टर यूज कर सकते हैं, आप जो भी कर सकते हैं। 1 मिनट 5 सेकंड का करीब ये वीडियो बना है, क्योंकि 100 वर्ड्स का वीडियो था, कोई मैंने ज्यादा लंबा यहाँ पर नहीं बनाया है। तो इसके बाद गाइस आप देख सकते हो, चेंज कलर, सीन टाइम, मतलब सब कुछ आप अपने हिसाब से यहाँ से कस्टमाइज कर सकते हैं। नीचे इसमें काफ़ी सारे सीन हैं, आप सब कुछ कस्टमाइज कर सकते हैं। इसके बाद ये डाउनलोड वाले पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद डाउनलोड वाले पर क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो नीचे आपको क्या करना है, थोड़ा सा वेट करना है। वेट करने के बाद आपको यहाँ पर वीडियो इज रेडी टू पब्लिक आ जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ से जो है वो डाउनलोड कर लेना है। अब डाउनलोड करने के बाद गाइस आपको आना है गूगल ट्रांसलेट में। जी हाँ, तो ट्रांसलेट में हमने जो इंग्लिश में हमारी कविता लिखी थी या फिर जो हमारी कहानी थी, उसको हमको हिंदी में कर लेना है। और हिंदी में करके यहाँ से आपको कॉपी करके आपको आना है clipmake.mp। जी हाँ, ये साइट आप जो स्क्रीन पर देख सकते हैं, इस पर आपको आ जाना है। अब इसके बाद गाइस आपको क्या करना है, देखिए पूरा मैं ए टू जेड बता रहा हूँ, इसलिए वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है। इसके बाद आपको इस साइट पर जाने के बाद ये सेकंड नंबर का जो ऑप्शन है, आपको इस पर क्लिक करना है और टेक्स्ट टू स्पीच इसमें आपको ऑप्शन मिल जाएगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ से आपको
जी हाँ गाइस, लैंग्वेज आपको हिंदी सिलेक्ट कर लेना है। इसमें यूनाइटेड स्टेट इंग्लिश रहेगी, तो आपको इसमें हिंदी सिलेक्ट कर लेना है, क्योंकि हमारी जो स्टोरी है वो हिंदी में हमको बनाना है। अब चैट जीपीटी ने हमको इंग्लिश में दिया था, लेकिन हमको यहाँ से हिंदी में बनाना है। तो चलिए मैं यहाँ पर हिंदी ढूंढ लेता हूँ, हिंदी कहाँ है कहाँ है। तो मैं जल्द से जल्द यहाँ पर हिंदी ढूंढ के उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। आप सर्च भी कर सकते हैं, तो मेरे जो ये हिंदी इंडिया मिल गई है। इसके बाद आप वॉइस दे सकते हो, सारा मधुर, मतलब लेडीज गर्ल्स जेंट्स आप सब कुछ कर सकते हो। अब यहाँ पर जो हमने पेस्ट किया था उसको हम कॉपी कर देते हैं। मैं इसको एक बार प्ले करके देख लेता हूँ किस तरह से प्ले हो रहा है। तो ये काफी अच्छी तरीके से गाइस यहाँ पर इसने संपूर्ण ले लिया है, तो ये प्ले होता है। इसके बाद सेव टू मीडिया पर इसको हम क्लिक कर देते हैं। अब सेव टू मीडिया पर क्लिक करने के बाद गाइस आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। आपको जस्ट 5 सेकंड यहाँ पर रुकना है। साइट में हमारी मीडिया आ चुकी है। अब हमको इस मीडिया को अपनी गैलरी में ले जाना है, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसके प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना होगा। अगर आपने गाइस मैं बता दूं फिल्मोरा यूज किया हुआ है, तो ये आपको काफी अच्छे से समझ में आ जाएगा। सेम टू सेम उसी के जैसा इंटरफेस है। इसको मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ 480p में, क्योंकि ये वीडियो में जाएगा, लेकिन वीडियो पूरी ब्लैंक रहेगी, सिर्फ ये वॉइस रहेगी। जी हाँ, तो इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर वीडियो सेव हो गई है। सेव टू योर कंप्यूटर इसको पे हम करके और हमारे कोई भी एक फोल्डर में इसको सेव कर सकते हैं। तो चलिए मैं नॉर्मली कोई भी एक फोल्डर में सेव कर देता हूँ। अब उसके बाद गाइस आपको क्या करना है, तो उसके बाद आपको चले जाना है सीधा फिल्मोरा पर, या फिर काइन मास्टर, जो भी आप एडिटिंग ऐप यूज करते हो उस पर आपको चले जाना है। अब वो वीडियो हमारी ये है, ऑडियो है, तो आपको ऑडियो और वीडियो को मिक्स करना है। तो गाइस ऑडियो वीडियो को मिक्स करना काफ़ी आसान है, मतलब आप काफ़ी अच्छी तरीके से कर लोगे। अगर आपको फिल्मोरा में नहीं करना, तो भाई काइन मास्टर, काफ़ी सारी आप जिस भी चीज़ से आप एडिटिंग करते हो उससे आप बड़ी आसानी से इसको कर सकते हो। तो ये देखिए मैंने जैसे वीडियो लगा दी, इसमें ऑडियो लगा दूंगा। ये काफ़ी अच्छी, मतलब बड़ी आसान तरीके से आप कर सकते हो। तो मुझे नहीं लगता है गाइस मुझे इसे बताने की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसी तरह से आप पूरा बड़ी आसानी से कर सकते हो। चलिए मैं एक बार ऑडियो लगा के आपको दिखा देता हूँ। ये ऑडियो है हमारी, तो ये ऑडियो मैं सिंपली से खींच के ले जाऊँगा इसके ऊपर। सॉरी ये उसी में लग गई है, एक मिनट आपको थोड़ा सा वेट करना है। इसको ऊपर लगा देता हूँ मैं। तो इस तरह से आपको ऑडियो वीडियो मिक्स कर लेना है। इनको आपको बड़ी आसानी से प्ले करके देख लेना है। और अगर मैं भाई आपको सजेस्ट करूंगा आप काइन मास्टर से कर लीजिए, अगर आप फिल्मोरा वगैरह यूज नहीं करते। मेन वीडियो की वॉइस जो है उसको आपको बंद कर देना है। तो यही एक ट्यूटोरियल था, इसमें ना तो आपको कोई कॉपीराइट लगेगा ना कुछ। तो आगे का ट्यूटोरियल हम जानते हैं अपनी वीडियो में, चलिए चलते हैं। आई होप गाइस आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आ गई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और चैनल्स पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सिलेक्ट कर लेना। सो बस, तो मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो से। जब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।